नाशपाती की बिक्री के रुपयों को लेकर हुए विवाद में गुरुवार रात एक ग्रामीण ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी है और पत्नी से बीते दिनों नाशपाती बेचकर मिले रुपये मांग रहा था। पत्नी के इनकार करने पर हत्या आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। बैजनाथ पुलिस के अनुसार एक मिठाई की दुकान पर काम करने वाले मन्यूड़ा निवासी गणेश जोशी उम्र 40 साल पुत्र भैरवदत्त जोशी शराब का आदी है। गुरुवार रात करीब 11 बजे उसने विवाद के बाद अपनी पत्नी गीता जोशी उम्र 35 साल के पेट में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर लुहलुहान कर दिया। हमले के बाद हत्या आरोपी भी घबरा गया और वहीं खड़ा रहा। बेटी की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। रात में ही गीता को सीएससी बैजनाथ ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को पुलिस ने गीता का शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतका के पिता पोथिंग निवासी देवकी नंदन जोशी की तहरीर पर पुलिस ने हत्या आरोपी पति गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उधर सीओ बागेश्वर अंकित कंडारी ने बताया कि हत्या आरोपी गणेश जोशी झगड़ालू प्रवृत्ति का था। एक महीने पहले ही वो जमानत पर रिहा हुआ था। पहाड़ की यादें, कुमाऊनी किस्से, हमारी संस्कृति, अनेक वन संपदा, अनेक पक्षी और पुराने दिन, इन सबको दिखाता है ये यूट्यूब चैनल। आइए इस चैनल से जुड़ें, जिसका नाम है झूठे ब्लॉग। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।